इंजीनियरिंग करने के बाद सेना में एक अधिकारी के रूप में 34 ईयर्स से कार्यरत रहा और अब मैं अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी एक जिंदगी जिस देश की हर एक पल की रक्षा में बीती है, अब मेरी दूसरी इनिंग जो शुरू हो रही है वो मेरे हर एक पल और हर एक पसीने के एक एक बूंद इस देश की सेवा में लगे और हमारा जो दायरा जो पहले मिलिट्री के कैंपस में होता था, मिलिट्री प्लानिंग के अनुसार होता था, अब खुले मैदान में होगा और मेरा विचार उन लोगों तक पहुंचेगा जो लोग हमें सुनने के लिए भी जान लालयित रहते थे या ये जानना चाहते थे कि एक्चुअली ये घनश्याम है क्या, और है तो क्या इसमें कुछ हमारे लिए भी करने की क्षमता है या कुछ ये ऐसी विचार से भी ओतप्रोत है जो सबके लिए, सबके विकास के लिए, सबके भलाई के लिए, सबकी उन्नति के लिए, क्या यह सोचता है कि नहीं। आपने मतदान किया? हमने मतदान किया, ये मेरा मतदान का सबूत है जो आप देख सकते हैं। ये स्याही सिर्फ स्याही नहीं है, ये दर्शाती है कि आज मैं सुबह उठ करके सही समय पर सही जगह वहाँ गया जहाँ मुझे जाना था, जहाँ मेरे पिताजी ने अपनी पहली शिक्षा का पहला पाठ पढ़ने के लिए भेजा। आज मुझे गर्व है कि वहाँ मैंने अपना वोट दिया और वोट देने की वहाँ की व्यवस्था मुझे इतनी अच्छी लगी कि वहाँ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि आप सेना में सालों रहे, देश सेवा भाव अंदर कूट कूट के भरा होगा, इस बार चुनाव में मतदान करते वक्त कैसी फीलिंग आ रही थी, क्या सोच के मतदान किया है? हम तो यही सोचे कि हमारा वोट उसको जाए जो इस देश की इज्जत, इस देश की डेवलपमेंट, इस देश का विकास वहाँ पहुँचाए जहाँ देश का पोजीशन आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देर है लेकिन फिर भी हमें सब्र है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो नेतृत्व है राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, ग्राम स्तर पे, वो ये जरूर कोशिश करे कि देश के हर एक व्यक्ति को बेसिक सुविधा मिले। प्रोग्रेसिव मॉडल बनने में इंडिया आगे पेश हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो इसको करने में सक्षम होंगे और पूरी उम्मीद है कि उनका जो इंटीग्रेशन है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर वैसा रहेगा कि हमें कभी पार्लियामेंट में बैठ के ताली बजाने का भी मौका मिलेगा।